अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान फाइनली हैव वन इट्स फर्स्ट मैच इन दिस ऑनगोइंग T20 वर्ल्ड कप। एंड क्वालिफिकेशन सिनेरियो के बारे से भी बहुत से लोग बात कर रहे हैं। मैंने नहीं किए थे, खैर आफ्टर दैट मैच ऑफ इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। काफ़ी ज़्यादा खैर मवाद मौजूद था, बट दिल नहीं हो रहा था, लिटरली दिल नहीं हो रहा था। आज भी खैर बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था ना मैच देखने का, नाम मीन्स एनालाइज करने का। बट क्या ही किया जा सकता है, अब एक काम हमें करना है तो करना ही है। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस मैच, भाई पाकिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया। वही टीम नसाउ काउंटी क्रिकेट स्टेडियम की ये पिच थी, एंड उसी तरीके से उसने बिहेव किया। शुरू में रन्स बनाना नस्बता ईजी था, बाद में फिर है कि ट्रिकी होता गया। एंड पाकिस्तान ने रिस्ट्रिक्ट कर लिया 6 पे कनाडा की टीम को, एंड देन है कि टारगेट चेज भी कर लिया। बट वही है कि थोड़ा ज़्यादा जल्दी करते तो मज़ीद बेहतर होता रन रेट के हिसाब से, क्योंकि अगर तो आपके है कि यूएसए मींस कम मार्जिन से हारती है तो अव्वल तो खैर यूएसए को हारना ही है। जो पाकिस्तान क्वालिफिकेशन सिनेरियो वही है कि यूएसए को अपने रिमेनिंग 2 मैचेस हारने, जो कि इंडिया से है और आपका आई थिंक आयरलैंड से है, तो ये 2 मैचेस यूएसए को स्ट्रेट अवे हारने हैं और बड़े मार्जिन से आई थिंक या नहीं हारने ही है, स्ट्रेट अवे हारने हैं। एंड जो जीतना है वो कंबाइंड 18 रन से कुछ है कि यूएसए को जीतना है पाकिस्तान का जो नेट रन हिट है उसको सरपास करने के लिए, अगर तो पाकिस्तान नेक्स्ट मैच भी जीत जाता है विच इज़ अगेंस्ट आयरलैंड, तो फिर है कि पाकिस्तान का चांस बनता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, डीप डाउन आई डोंट वांट कि पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करे, बिकॉज पाकिस्तान डिज़र्व नहीं करता। डेफिनेटली यूएसए डेफिनेटली डिज़र्व करता है, और वैसे भी खैर यूएसए 2 मैचेस जीता हुआ है और जस्ट एक मैच में नहीं, इंडिया का मैच हटा भी लो और इसके अलावा जो उनका मैच है आई थिंक आयरलैंड से, वो भी अगर वो जीत जाते हैं तो वो क्लियरली जा रहे हैं और आप पीछे ही रह जाने वाले हो। यही है कि एफ्स एंड बर्ड्स आपको सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करने में भी है। वही बात है कि पहले आपको सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने के लिए एफ्स एंड बर्ड्स का सामना होता था, अब आपको सुपर 8 में क्वालिफाई करने के लिए भी एफ्स एंड बर्ड्स का सामना है। ये तो हमारी क्रिकेट की हालत हो चुकी है। एनीवेज, आज अगेन है कि बॉलर्स ने डोमिनेट किया, आमिर ने, हर किसी ने क्या डोमिनेट किया। बाय द वे, आपके हारिस अब साहब ने 100 विकेट्स कंप्लीट कर लिए एंड ही हैज़ फास्टेस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा जल्दी उन्होंने कंप्लीट की है T20I में। एंड जो 100 क्लब जो है पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने ज्वाइन कर लिया अलॉन्ग विद शाहिद आफरीदी, शादाब खान, एंड 100 क्लब आई थिंक शायद आफरीदी आई थिंक 93 कुछ विकेट से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या तो 100 क्लब में उन्होंने शादाब खान को ज्वाइन किया है। सो बहुत ही ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है कि परफॉर्मेंस दी है हारिस रऊफ ने थ्रू आउट द, जब से उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया है। रिसेंट डेज में तो खैर इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी तो खैर आपको फिर से सपोर्ट मिल रही है, तो वही बात है कि मीन्स परफॉर्मेंस देनी है ना बैटर बॉलर्स को। एनीवेज, आज है कि रिजवान ने भी है कि 50 की है, एंड अगेन रनर बॉल ही मोहतरम जा रहे थे। और तो स्टार्ट में आपको है कि थोड़ा अच्छा स्टार्ट लेना चाहिए था, वही है कि बाद में आपको रन बनाना थोड़े से मुश्किल हो जाता है इस पिच पे, और आपको अपने रन रेट को भी देखना था। बट वही बात है कि माइंडसेट हमारा वो नहीं है ना, अब जब तक ये है कि माइंड सेट चेंज नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। खैर अगर तो पाकिस्तान क्वालिफाई कर भी जाता है तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान आगे प्रोग्रेस कर सकेगा, बिकॉज जब यहाँ पे हमारी यूएसए के खिलाफ और इंडिया के अगेंस्ट 120 चेस करने में हमारी ये हालत है, तो आगे हम बड़ी टीम्स डेफिनेटली वहाँ पे बड़ी टीम्स ही आएंगी, तो फिर हम मीन्स सर्वाइव नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि पहले ही एंड हो जाए ताकि एक तरीके से रिलैक्स हो जाए हम भी। एंड खैर फिर भी अगर क्वालिफाई कर जाता है तो चलो अच्छी बात है कि भाई आपको क्वालिफायर्स नहीं खेलने पड़ेंगे, वरना मुझे खैर पर्सनली मैं यही चाहती थी कि पाकिस्तान सुपर 8 में क्वालिफाई करे ताकि एटलीस्ट क्वालिफायर्स ना खेलने पड़े। बट आफ्टर दैट डिफीट मुझे यही था कि भाई भाड़ में क्वालिफायर्स भी खेलें और वहाँ पर भी हारें और वहाँ पर भी जलील हों, ताकि तरीके से है कि इनकी जो सर्जरी की बातें हो रही हैं तो वो तरीके से हो सके। एनीवेज, उम्मीद का दामन अभी भी है कि पाकिस्तान की टीम ने थामे रखा है और थाम हमें भी थमाने की कोशिश की जा रही है, बट हम तो नहीं थाम रहे भाई, लिटरली बस हो गई हमारी तो वैसे भी। एनीवेज, फील्डिंग एज ऑलवेज वाज नॉट ऑन स्पॉट टुडे, पाकिस्तान की ऑल द टाइम यही होता है, हमारी तो फील्डिंग ही शानदार है, पूरी टीम ही खैर आपकी शानदार हो चुकी है, क्या ही कहा जाए, और काफ़ी ज़्यादा लो लेवल पर पहुंच चुकी है। काफ़ी ज़्यादा इस हवाले से बातें भी हैं, अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कि अंदरूनी क्या ख़बरें हैं
आपकी कैप्टनसी के हवाले से और तमाम टीम की बॉन्डिंग के हवाले से, तो स्टे ट्यून्ड विद मी। आगे आने वाली वीडियोस में हम इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।